हेलो हेलो हेलो। तो जी मैंने सोचा कि यार लोग बना रहे हैं तमाम तरह के काढ़े। एक काढ़ा जो हम बचपन से पीते आए हैं, जब थोड़ी सी भी ठंड लगती थी या फिर जब मानसून का टाइम होता था, तो एक काढ़ा जो है चाइनीज़ काढ़ा, जिसको हम हॉट एंड सावर सूप कहते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और आज बनाते हैं वो इंडो चाइनीज़ काढ़ा जिसका नाम है हॉट एंड सावर सूप। तो हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए हमको चाहिए सब्जियां। देखिए, वेज हो या नॉन वेज, हॉट एंड सावर सूप की खूबी यह है कि बड़ी सारी सब्जियां पड़ती हैं इसके अंदर। तो सब्जियों में कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है जी। ग्रीन बीन्स को टिप एंड टेल करना है। कुछ चीजें जो है ना वो हाथ में ही कटती हैं, भिंडी, ग्रीन बीन्स। चाइनीज खाने में, खाना बनाने में लगते हैं 5 मिनट और कटिंग में लगते हैं 15 मिनट। कटिंग अगर सही है तो खाना अपने आप बन जाएगा। ग्रीन बीन्स हो गई। अब कैरेट, कैरेट के जो जूलियन है ना, वो काटने का ये तरीका जो है वो बेस्ट है। लंबे लंबे कर लीजिए स्लाइस। स्लाइस को ऐसे लगा लिया, एक के ऊपर एक दबा लिया। दबाने के बाद ऐसे उसको काटते गए। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। इसको निकाल के रख देते हैं अलग। गड्डी जांदी है छलांगा मारती, जदों जन जावे हॉट एंड सावर दी। बड़े सारे तरीके हैं जी गोभी काटने के, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीका यह है कि गोभी को ऐसे टेढ़ा पकड़ें और ऐसे ऐसे काटते जाएं। मैं क्या, सबका लंच डिनर बन जाएगा आज। अदरक लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट एंड सावर में। लहसुन चाहे आप डालें डालें, अदरक डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरक जो है वो कंबाइनिंग फैक्टर है। कंबाइनिंग फैक्टर मतलब सब्जियां, मिर्च, खट्टा, मीठा, तीखा, इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला फैक्टर है अदरक। सो अदरक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये लो जी अदरक लहसुन, बारीक बारीक चॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। आई लाइक इट लाइक दिस। सूप में क्या है, जब वो पकेगा तो धीरे धीरे अदरक लहसुन अपना फ्लेवर छोड़ेगा, तो इसके लिए आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस। ग्रीन चिली चॉप्ड, क्योंकि इसकी जो स्पाइसीनेस है उसमें थोड़ा वाइट पेपर पाउडर जाएगा, थोड़ा चिली सॉस जाएगा, तो उससे भी आएगी चिली। सिर्फ फ्रेश स्पाइसीनेस के लिए, हाँ, फ्रेश स्पाइसीनेस। अच्छा, अगर चाहे ना तो इसको ऐसे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। पूरा ही कर लेते हैं फिर क्यूब्स। अगर आप मशरूम खाते हैं तो हॉट एंड सावर सूप में मशरूम जरूर डालना चाहिए, बिकॉज मशरूम गिव्स अ नाइस मीटीनेस, उमामी। ऑयल, यहां पर बटर नहीं डालना। अदरक लहसुन और मशरूम साथ में। मशरूम पहले से डालना है, मशरूम को सौते करना है, ब्राउन करना है मशरूम को। क्या है ना कि मशरूम में पानी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए उसको शुरू शुरू में डाल देते हैं। इसके बाद सब्जी। अब जब बना ही रहे हैं पूरे परिवार के लिए तो सारी डाल देते हैं जी। अब तो कुछ नहीं है, अब तो पार्टी है बस। हरी मिर्च ऊपर से, हरी मिर्च को भूनना नहीं है वरना सारा घर जो है वो छिकता रहेगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हरी मिर्च को नहीं भूनना। सेलरी, वो नहीं जो 1 तारीख को आती है, वो जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, CELERY। ऐसे 1 तारीख को कहाँ आती है साहब। डन। देखो ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अब इसको जो है थोरन नहीं बनाना, इसका मतलब इसको पका पका के इसका कचुंबर नहीं निकालना, ठीक है। अभी वेजिटेबल स्टॉक या पानी। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि यार सोया सॉस जो है वो पहले डाल दो सब्जियों में। अगर आप सोया सॉस सब्जियों में पहले डाल देंगे तो सब्जियां काली हो जाएंगी। हाँ, वो फिर कालापन सब्जी के ऊपर से नहीं जाएगा। सूप में सब्जी की जो फ्रेशनेस है वो दिखनी चाहिए, इसलिए एक बार ब्रॉथ बना लें और ब्रॉथ बनाने के बाद उसमें सोया सॉस डालें।
ठीक है जी। अभी तक तो ये सिर्फ सूप है, अब बनेगा ये हॉट एंड सावर सूप। हॉट के लिए मिर्च से काम नहीं चलेगा, हॉट सॉस डालना पड़ेगा, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर पाउडर डालना पड़ेगा, सावर के लिए सिरका डालना पड़ेगा और चाइनीज बनाने के लिए सोया सॉस डालना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। हिंदुस्तान में चाइनीज खाना जो है वो इन दोनों चीज़ों के बगैर नहीं बन सकता, विनेगर एंड सोया सॉस। और ये है धनिया की डंडी। धनिया की डंडी को भी मैं बारीक बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। धनिया की डंडी से एक आउटस्टैंडिंग फ्लेवर आता है, चाहे शोरबा बना रहे हो, चाहे चाइनीज सूप बना रहे हो। और उस सूप में जिसमें आपको कोरिएंडर फ्लेवर चाहिए, सिर्फ पत्ती मत डालिए, पत्ती का फ्लेवर आएगा और चला जाएगा, डंडी का जो फ्लेवर है वो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ठीक है। अभी ये बनाना है घोल। ब्लैक पेपर पाउडर, कॉर्नस्टार्च और पेपर के अंदर मिला लिया पानी। लिजाम बनाना है जी, लिजाम। गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें। मेरा जो है जवानी का सबसे फेवरेट खाना था ये बनाने के लिए, कि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट। जवानी में क्या होता है, वो इम्पेशेंस होता है ना, हर चीज़ की जल्दी होती है, खासतौर जब आप लखनऊ की आपको आदत हो हर चीज़ धीरे धीरे पकाने की। मुझे चाइनीज़ खाना बड़ा चलो तो बन भी गया। इट वॉज माई फेवरेट यूथ फूड, सोया सॉस। और ये सोया सॉस जो है वो जापनीज अपनी सोया सॉस नहीं, एकदम देसी इंडियन कोलकाता वाला सोया सॉस। और ये डिश जो है ये चाइनीज नहीं है, ये डिश जो है ये टैंगड़ा है। टैंगड़ा यानी कि वो जगह जहाँ से एक्चुअली इंडियन चाइनीज खाने का जन्म हुआ और जहाँ आज भी कई जगहों पे बहुत अच्छा इंडियन चाइनीज खाना मिलता है, ठीक है जी। सोया सॉस अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, बिकॉज सोया सॉस डालने के बाद नमक एडजस्ट करूँगा। चिली सॉस थोड़ा सा, तो सोया सॉस से हो गया एक बेस बन गया उमामी का, यानी मीठीनेस का एक बेस बन गया, फर्मेंटेड फ्लेवर आ गया। उसके बाद ये चिली सॉस, जिससे कि हॉट एंड सावर का हॉट आ गया। वाइट विनेगर, सिरका, मॉल्ट विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर मॉल्ट विनेगर है, शुगर केन विनेगर है, वो डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि वाइट विनेगर ही डालना है, क्योंकि कलर इसका डार्क है, तो डार्क विनेगर विल ऑल्सो वर्क। अब अरारूट डालने से पहले एक बार चख लें, क्योंकि एक बार अरारूट डाल दिया फिर समय नहीं मिलेगा। थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक अभी पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखो जी, कुछ लोग जो है ना इसमें केचप डालते हैं, मैं थोड़ी सी शक्कर डाल देता हूँ चटपटा करने के लिए। जो मिठास के लिए केचप डालने के बजाय शक्कर ही डाल दो सीधा। और ये समझ लीजिए कि जहाँ पर भी आप खट्टा और तीखा कर रहे हैं, यानी कि हॉट एंड सावर कर रहे हैं, स्वीट आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ये तीन चीज़ें साथ में चलती हैं, चटपटे में तीन फ्लेवर्स होते हैं, खट्टा, मीठा और तीखा, ठीक है ना जी। लो जी, हो गया प्रोग्राम साड़ा, हमारा फ्लेवर फाइनल हो गया। उसके बाद हमने डाल दिया जी अरारूट, और एकदम से ना डालें, दो बार में डाल दें जी, वरना क्या होगा, ज़्यादा पड़ जाएगा। आप बनाने जाएंगे सूप, बन जाएगा सोहन हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था अरारूट कम डालना। अगर आपको चाइनीज़ खाना बनाने की आदत है ना, ये समझ लीजिए कि हमको कॉर्नस्टार्च डालते टाइम वो चिली चिकन वाली ग्रेवी थिकनेस की आदत पड़ी होती है। इसमें ग्रेवी थिकनेस नहीं थी, ग्रेवी थिकनेस से कम थिक होना चाहिए फॉर अ सूप। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इज, हम बहुत ज़्यादा कॉर्नस्टार्च डाल देते हैं सूप में, उससे क्या होता है फ्लेवर्स अप्रिशिएट नहीं कर पाते हम, हमारी ज़ुबान को फ्लेवर नहीं समझ में आते, क्योंकि ऊपर सब अरारूट चिपकता रहता है ना, तो इसलिए सूप में कभी ज़्यादा अरारूट ना डालें। इट हैज़ टू बी सेमी थिक से थोड़ा कम थिक, मीडियम गाढ़े से कम गाढ़ा, ये देखिए, ठीक है। और चंकी, गार्निश के लिए हरा प्याज, टेंडर वेजिटेबल्स ना, जब भी काटे तो नाइफ में धार होनी चाहिए, वरना वेजिटेबल्स कटेंगी नहीं, मतलब उनके साथ पहलवानी हो जाएगी और जल्दी खराब हो जाएंगे। सब कुछ बता रहा हूँ मैं, अभी क्या है, चिली ऑयल पड़ता है हॉट एंड सावर सूप में ऊपर से। आप चाहें तो सेसमे ऑयल भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो चिली ऑयल भी डाल सकते हैं। एक चिली ऑयल है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसकी रेसिपी आपको दे देता हूँ, जल्दी देख लीजिए। ये स्टार एनीस और ये रेड चिली और ये ऑयल,
अगर और कुछ नहीं तो जो सेजवान सॉस बनाया ना हम लोगों ने बनाया ना साथ में, नहीं तो आप जब भी बनाएं तो उसके ऊपर से तेल निकाल लें, वो तेल यूज़ कर लें गार्निश के लिए हॉट एंड सावर सूप के ऊपर। ठीक है, अब इसको एकदम से जलाना नहीं है मिर्च को, हाँ धीरे धीरे, थोड़ा सा मैंने मिर्च पाउडर डाला है बट धीरे धीरे, स्टार एनीस का फ्लेवर भी आना चाहिए, ये देखो रंग चेंज हो रहा ना, लेकिन जलाना नहीं है, गैस करीब बंद, रेस्ट होने देते हैं ताकि मिर्च जो है वो नीचे बैठ जाए, मिर्च अगर नीचे बैठ जाएगी तो फिर तेल ऊपर आ जाएगा। अभी जी इसके ऊपर ये स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियन पहले नहीं डालना वरना रंग खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। और ये चिली ऑयल जो हमने अभी बनाया, अभी। और अब मेरा प्रिय मित्र धनिया, कोई ज़रूरी नहीं है डालना, ठीक है जी। अब मेरा दोस्त है तो मैं हर जगह इसको हीरो बनाया था, मुझे याद आ गया वो 1999 में शेफ तिवारी और वो बाइक वाले दिन जब हम बाइक से भीगी बिल्ली बन के आते थे और एकदम से फिर शेर बन जाते थे हॉट एंड सार सूप पी के। तो बेसिकली ये सूप नहीं है, शेर बनने की रेसिपी है, डू ट्राई इट एंड लेट मी नो। और हाँ, वो भूलेगा मत टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।